भगवान परशुराम जी की जयंती पर भक्तों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित करके और विद्युत पूजा पाठ आरती करके धूमधाम से मनाया, जिसके संबंध में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती है। आज ही के दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान परशुराम जी के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि हमें परशुराम भगवान से प्रेरणा लेनी चाहिए, राष्ट्र हित में आगे बढ़ करके अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ उनका साथ ना दे करके अपने अच्छाइयों को प्रस्तुत करें। इस अवसर पर हांसुपुर वार्ड के पार्षद संजय श्रीवास्तव, प्रेम कुशवाहा, राजीव शुक्ला, प्रकाश मिश्रा, रमेश वर्मा, सीमा महेश्वरी, कृष्ण मुरारी, अनुराग मजवार, राजेश पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, बोलिए परशुराम भगवान की जय। बोलिए परशुराम भगवान की जय। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। हरम मुझे हरम रावणंतम मेरे अरविंदे भगवानी से नमः नमः मनसो जात चक्षु सुजो जायता कृतात भाई से प्राण काले अग्नि रे जाय जय। आज अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का भी आज ही के दिन प्रारंभ हुआ था और आज के दिन भगवान परशुराम जी का भी जन्मोत्सव है। आज उसी खुशी में यहाँ पे हांसुपुर स्थित मूर्ति पर भगवान को हम लोग पुष्पार्चन कर रहे हैं, माल्यार्पण करके पूजा अर्चन कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि सकल समाज यहाँ पे भगवान के शिक्षणों में नमन कर रहा है और ये हमें दर्शाता है कि भगवान परशुराम सभी के पालक हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, आपको हमारे पुराणों में भी दर्ज है कि उनके पिता को 21 बार अत्याचार के खिलाफ जब उनके पिता ने अपनी आवाज़ बुलाई, उस समय अत्याचारी राजा ने 21 बार उनको उनके शरीर पे घाव करके उनका वध कर दिया था। तो उसी समय उन्होंने प्रण लिया था कि इसके कुल का समूचा नाश कर देंगे और 21 बार अत्याचारी अनाचारियों का सकल परिवार उन्होंने नष्ट किया था। बाद में उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान हनुमान जी स्वयं आए थे और सभी देवताओं ने उन्हें शांत किया था। उन्होंने कहा अत्याचारी के खिलाफ आवाज़ वास्तव में उठानी चाहिए, अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अन्यायियों का मन बढ़ता चला जाएगा और क्षेत्र के साथ साथ राष्ट्र का विकास भी बाधक होता है। तो हमें ये आज प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें राष्ट्रहित में आगे बढ़ के अन्यायियों के खिलाफ और अत्याचारियों के खिलाफ और हम लोग उसका साथ न दे के उनके हम लोग अपनी न्याय जो हम लोग की अच्छाई है उन तक प्रस्तुत करें। और इसी के संकल्प के साथ मैं भगवान परशुराम से आप सभी के ढेर सारी शुभकामनाएं, उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि वैश्विक महामारी कोरोना, आप 2 साल देखिए भगवान का ही पूजन अर्चन नहीं हुआ, तो ऐसी महामारी पुनः ना आवे और विश्व शांत रहे। कहीं भी जो युद्ध आज चल रहा है वो वहाँ शांत, सब जगह अमन चैन पहले, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।